हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वाई टी हीरोज इंडिया में। तो भाई आज हम यहाँ पे देखेंगे एमएस ऑफिस 365 या एमएस ऑफिस का जो भी वर्जन हो उसे कैसे फ्री में विदाउट एनी सॉफ्टवेयर एक्टिव किया जाता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो उसके लिए आपको ओपन करना है अपने एमएस वर्ड। यहाँ पे मेरे पास कुछ सेटिंग आया तो मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। फिर भाई मेरे पास और एक भाई आता ही है एरर, तो मैं इसे कर देता हूँ कट। कट करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आया कि एक्टिवेशन रिक्वेस्ट, तो भाई अब इसे एक्टिव करना है। तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एड्स या जो भी आपके पास ब्राउजर है उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है bit.ly/office19txt। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ bit.ly/office19txt। ओके, office19txt यहाँ पे देना है और इसे एंटर कर देना है। तो मैंने एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद भाई यहाँ पे थोड़ा लोड लेगा। तो लोड लेने के बाद आपको ऐसा कुछ पेज आएगा, तो इन सभी टेक्स्ट को आपको Ctrl+A करके सेलेक्ट करना है और Ctrl+C करके कॉपी करना है। फिर आपको अपने ब्राउजर को मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ करने के बाद आपको न्यू में जाके न्यू टेक्स्ट को करना है और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट को कॉपी किया है उसे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव एस को क्लिक करना है और सेव एस टाइप आपको ऑल फाइल करना है और फाइल नेम को न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बैक स्पेस करके क्लियर करके यहाँ पे आपको activator.cmd लिखना है। सब छोटे अक्षर में आपको लिखना है activator.cmd। तो cmd करने के बाद आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसे क्लोज करके जो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसे अब हम कर देंगे डिलीट। तो मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद ये आपके पास ऐसा कुछ एक्टिवेटर आएगा, तो इसे राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्टर करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको यस करना है। तो यस करने के बाद ये जो है लोड लेगा। तो भाई आपको अपना नेट कनेक्शन ऑन करना है जब इसे करें। तो नेट कनेक्शन अगर ऑन नहीं रखेंगे तो यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवेटिंग माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फॉर फ्री विदाउट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि एक्टिवेटिंग योर ऑफिस। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया एक्टिवेटिंग योर ऑफिस। तो ये एक मिनट या उससे कम समय लेगा। तो ये एक्टिव होना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा समय लेगा तो ये एक्टिव हो रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं। तो भाई थोड़ा समय रखते हैं। तो यहाँ पे भाई और एक ये आ गया, ये ऐसे ही आता है एक एरर। आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और भाई बाद में ये देख सकते प्रोडक्ट एक्टिवेशन सक्सेसफुल, मतलब आपका प्रोडक्ट एक्टिवेशन हो गया। तो आपको ये सब आने देना है और भाई बाद में आपको कर देना है इसे क्लोज। तो क्लोज करने के बाद अब हम जाएंगे अपने स्टार्ट। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम अपने वर्ड को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे अकाउंट में जाके तो देखो भाई आपका प्रोडक्ट एक्टिवेट हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।